से बड़ा पद किसी के पास नहीं, सो नहीं करते सुने आपको। कि तुम 12 साल नलकी में रही तो टेढ़ी की टेढ़ी गई। इसे रोकने वाला नहीं है कोई, चाहे कितने प्रत्याशी आया इन लोग का कोई रहेगा कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में काफी लोग हैं अगर है लेकिन इससे भागे नहीं। ये लग रहा है कि आधे दिन में टक्कर ही लड़ रहे हैं, आधे में कितने प्रत्याशी सब लड़ रहे हैं। 1,50,000 मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे हैसियत नहीं है। हाँ भाजपा लोगों का करके तो यहाँ पर गवर्नमेंट बना दी। हवा चल रही है मोहम्मद की, इसे रोकने वाला नहीं है कोई, चाहे कितने प्रत्याशी आए इन लोग का कोई रहेगा। लखनऊ में दबाव डाल रहा है कि आप आगे बताओ, आगे बताओ तो कहाँ, इसके अलावा कोई नहीं जीत रहा स्टैम्प। देखिए स्टैम्प चाहते चेहरे की, ये चेहरा जीत रहा है स्टैम्प जिला अध्यक्ष। इससे बड़ा पद किसी के पास नहीं, सो नहीं करते सुने आपकी बात। ऐसा काम तो वही करेंगे सारे समझ सकते हैं, सही काम तो वही करना हम लोग को। अभी जो पूरे प्रत्याशी हमने घर में कौन काम करता था बताइए आप, लोगों को याद चला दिया भैया क्या समाजवादी पार्टी के बहुत खराब आदमी को समाजवादी में जिला सचिव रहे हैं। पिछली बार जिताया था ऐसा है उससे कि तुम 12 साल नलकी में रही तो टेढ़ी की टेढ़ी गई। समाजवादी हमें समर्थन देता, हम कार्यकर्ता के रूप में संवाद करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता हमारा आता है वो हमसे कहता है इलेक्शन लड़ना चाहते चेयरमैन, हम लड़ाई नहीं हो सकते। कोई चेयरमैन हो और कोई लड़ा सकता है तो बताओ कौन लड़ा कार्यकर्ता। ओहो चलो और आया परेशान हो अभी चलने दो। समाजवादी पार्टी के जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि मेरे पास कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में काफी लोग हैं अगर है लेकिन इससे भारी नहीं, ये सब पे भारी है, सब पे भारी है। आखिर क्या खास है मुझे समझ सकते हैं जो अपना समर्थन बदलाव दिखा रहे हैं? ये एक दिन बेहतर मन का आदमी किसी तरह काम कामयाब आदमी है और हर इंसान के लिए ग्राउंड रंगे।
सरोनी में ये लग रहा है कि आधे दिन में अक्सर सगर ही लग रहा है, आधे में किसी प्रत्याशी का सर लग रहा है। इसी से भाई नहीं है, ये आधे फोटो में अकेले लग रहा है, मैं सरोनी में और आधे में सर। इस तरह से आधे में सर पास कर रही आधे में सर, लेकिन ये बात को 13 तारीख को पता चल पाई क्योंकि 11 तारीख मतदान होना है। अब ऐसे में हमारे जो चमन सकलेनी काफी लोग जानते हैं हमें चमन सकलेनी में, लेकिन मैं एक बार अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार चमन सकलेनी से बात करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ा यात्रा मिर्जाजपुरा सगड़ी पतली पतली गलियों से होकर गुजर रही है। इसमें सीधा संदेश यही आता है कि मिर्जाजपुरा सगड़ी अपने अपने वोटरों को मतदाता को लुभाने में काफी मशक्कत कर रहे हैं। इसके साथ हमारे एक मौजूद है राजा भाई, राजा भाई से क्या लगता है इस बार क्या बदलाव जनता सरोली जनता ये विकास चाह रही है कि आने वाले समय में 11 तारीख में मतदान होना है और नगर पंचायत सरोली में मिर्जाजपुरा सगड़ी 80% वोटों पर है, 80% मतदान अशफा सगड़ी का होना है और बाकी 20% पर बाकी लोग हैं। और बाकी लोग जो है पिछले पीरियड में देखो आपने सड़कें मौजूद है आपके सामने, कोई विकास नहीं हो पाया। इस बार जो जनता चाहती है अशफा सगड़ी की बात इसलिए है कि नगर पंचायत को बदलाव चाहती है, नगर पंचायत में विकास के लिए अशफा सगड़ी को बहुत भारी सभावी तादाद में समर्थन मिल रहा है। देखा होगा जैसा आप लोगों ने नहादी के अंदर देखो रोड भी लंबा चिस्टाइल पर कोई नहीं है, रोड निर्माण मतलब की कोई भी विकास नहीं किया। इस बार काफी 12 प्रत्याशी नगर पंचायत चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, आखिर अगर क्या पास सगड़ी में खास है आपको लगा? देखिए मिर्जाजपुरा सगड़ी एक संघर्षशील नेता है, वो आप भी देख रहे हैं, पत्रकार महोदय और लोग भी हैं, सब लोग देख रहे हैं। अशफाक सकलेनी ने एक मेहनत से मेहनत के बजूद में जिला अध्यक्ष का पद लिया है और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मैं सरोली को ऐसा तब्दील करूं कि स्मार्ट सिटी सरोली बनाएगा। और जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी आपने देखा होगा, कुछ नहीं है स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके अंदर, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने अपना घोषणा पत्र में लिखा है नगर पंचायत सरोली में, हमने उसके बाद हमने एक हॉस्पिटल दिया बसंत में, क्या हमने फिर किए थे इसको हमने पुल बनवाया वीरगंज से सरोली के लिए डिस्ट्रिक्ट में, जो और घाट काफी जाए किला के लिए बड़ी बार जो पुल है वो भी घर खबर आए बता रहे हैं अपने पत्र लिखा है उन्होंने। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, आपने विभाग की वसुंधरा रिपोर्ट, मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बहनें हैं, मैं वसुंधरा रिकॉर्ड में नहीं कर सकता शादी क्योंकि वहाँ पर जो फीस ली जा रही है वो 1,00,000-1,50,000। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे हैसियत नहीं है। हाँ भाजपा लोगों का करके तो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है ताकि हमारे लिए भी फायदा होता और गरीब जनता के लिए फायदा होता। और रहा दूसरा सवाल, आपने कहा कि वसुंधरा हॉस्पिटल का निर्माण कराया, उन्होंने अपने लिए कराया ना कि जनता के लिए, जनता के लिए कराते जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर आपने देखा कोई भी सुविधा उपलब्ध होगा, यहाँ पे देखते होंगे उसके अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध होगी। और रहा सवाल आपने बताया कि मणिपुर पुल का, उसका निर्माण कम से कम चलता है, अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ और वो अगर उन्होंने 1,000 कामों में से अगर 1,00,000 कराता तो जनता के खाते में कराया ना कि उन्होंने अपने विभूत से कराया। 1,00,000 वादे किया, अगर 1,00,000 वादों में से एक वादा पूरा किया तो वो कोई वादा पूरा नहीं होता। और हमारे नेता के 17 वादे हैं, 17 में के 17 पूरे होने हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे नेता 17 वादे हैं, लेकिन आपकी बात कहना चाहूँगा जो इस टाइम कांग्रेस प्रत्याशी है सीट महिला आरक्षित हुई है और मुझे समझ सकने की बात चुनाव मैदान जैसा बताना चाहूँगा अपने इस बार चैनल के माध्यम से जो मिर्जाजपुरा सगड़ी अपनी है समझ सकने की बात चुनाव मैदान में, क्या लगता है कि मिर्जाजपुरा सगड़ी इनकी जगह होते तो काफ़ी बेहतर रहती है? बिल्कुल सेम मसला वही है, मिर्जाजपुरा सगड़ी जो है कहीं उनके अंदर भी उत्पीड़ है कि सरोली का विकास कराया कहीं ना कहीं।
हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूजीबर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूजीबर्ड ऐप।